आज मैं ना अभी दोपहर का खाना बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ क्या खाने बनाऊँ। मैं बड़ी देर से सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने लास्ट में सोचा कि मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए, फ्रिज में से देखना चाहिए बचा खुचा माल गया है। तो बचा खुचा माल है कि ये है, उस दिन मैंने सलाद बनाया था एक दो दिन पहले, पर स्वाती ने नहीं खाया था ये वाला। तो ये अंकुरित दाल का स्प्राउट का जो बनाया था, इसका पेट भर गया, इसने नहीं खाया अभी तक, पड़ा हुआ है। अब ये कौन सा खाने वाली है, तो मैं इसको कुछ करती हूँ। ये मेरे चावल पड़े हैं, ब्राउन राइस पड़े हैं। कल रात को मैंने नमकीन चावल बनाए थे बहुत सारी चीज़ें डाल के, और वो अभी थोड़े से बचे थे। मैं कल मैंने बनाए थे 1.5 गिलास, 1 गिलास तो फट से जट हो जाते हैं, पर कई बार ज़्यादा खाने हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो कल मैंने बनाए 1.5 गिलास, वो ना थोड़े से बचे हुए थे। तो हमने क्या करा, उसको मैंने कहा फ्रिज में रखने के बजाय क्यों ना मैं उसको गर्म करके सबको दे दूँ। मुश्किल से कटोरी कटोरी में आए सबको, सारे ख़त्म भी हो गए वो। ठीक है, कुकर चला गया धोने के लिए, तो काम खत्म हो गया ना। अगर एक बार जो कोई चीज़ फ्रिज में रखो ना तो रखी आ जाती है कई बार वो। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ये देखिए ब्राउन राइस हैं जो रखे हुए हैं, पर कोई नहीं अभी यूज़ करते हैं इसको भी। और ये मेरा अंकुरित स्प्राउट वाला अंकुरित वो सैलड है। ये मेरी पता क्या, मूली के परांठे बनाए थे। तो मूली का परांठा जो था कल भी बनाए थे, और मेरे ख्याल परसों भी बनाए थे मैंने। ठीक है, ज़्यादा से दोनों मूलियाँ मैंने कद्दूकस कर ली थी ना, तो फिर उसमें सोचा एक ही बार काम खत्म करो। तो फिर ये क्या करा कि अगर इसमें, मैं आपको ये बता चाह रही हूँ कि अगर इसमें आपकी मिर्च तेज़ हो जाए या नमक तेज़ हो जाए या फिर इसमें थोड़ा मॉइस्चर हो, वैसे तो हम निचोड़ के ही यूज़ करते हैं, पर कई बार थोड़ा बहुत रह भी जाता है थोड़ा हल्का फुल्का। तो कल मैंने क्या करा कि पापा मुझे बोल रहे थे कि वो ना इसमें मिर्ची थोड़ी तेज है, पर वो बिल्कुल मिर्ची नहीं खाते ना, हमारे लिए ठीक थी पर उनके लिए तेज थी। तो मैंने क्या करा फिर इसमें, इसको मेरा मिर्ची को सेट करने के लिए मैंने इसमें बेसन मिला दिया था, मतलब बेसन इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया। और इसी में, ठीक है, जब ये ज़्यादा क्वांटिटी में था कल, और उसके बाद क्या हुआ, ये जो परांठे बने वो और भी स्वाद बने, क्योंकि इसमें बेसन का भी फ्लेवर आ गया, और क्या हुआ उसे मिर्ची भी कम हो गई। तो उन्होंने खुश होकर खा भी लिए। तो इस तरह से मिर्ची तेज हो जाए तो उसका तरीका अच्छा है ये वाला। और अब इसको भी मैं यूज़ करूँगी। और ये जो मेरे पास सिर्फ 3 मशरूम बचे, बताओ, एक पैकेट लेकर आए थे, वो सारे बच्चे इधर उधर चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं, सब्ज़ी तो बनी ही नहीं, अब 3 की क्या सब्ज़ी बनेगी, है ना। इसको मैं भी, इसको भी डाल के यूज़ कर लेती हूँ। और इससे जो है मैं कुछ नया नए तरीके का कुछ बनाने की सोचती हूँ, देखते बनता है कि नहीं, ट्राई करते हैं। यार कैसे हो आप इस समय, आज है 30 अक्टूबर है, इस महीने का कल लास्ट डे है, ये महीना भी खत्म होने वाला है, उसके बाद स्टार्ट होगा नवंबर। और देखिए ये मैं क्या किया है, मैंने जो है ना ये जो आपको दिखा रही है, जो मैंने काढ़ा बनाया था उसका मसाला तीसरी बार यूज़ कर लिया है, और इसमें मैंने कच्ची हल्दी भी डाली हुई है, देख रहे हो ना आप, जीरा सौंफ तेज पत्ता भी डाल दिया, और ये सारी मतलब चीज़ें डाल के अदरक भी डाला है, बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, काली मिर्च वगैरह सब डाला है। तो ये मैंने काढ़ा जो बनाया था उसको तीसरी बार यूज़ कर लिया, मतलब उबाल लिया। अब ये फेंकने का टाइम आ रहा है, इसको अब कितना यूज़ करेंगे बताओ। पर ये मसाला फेंकने का मेरा मन नहीं कर रहा, करें क्या। ठीक है, इसका भी कुछ करती हूँ जुगाड़ में। ठीक है, और इसको मैं, ये देखिए मैंने डाल के रख लिया कपों में, अब हम इसको पहले पी लेते हैं, उसके बाद ही फिर मैं खाना बनाती हूँ। चाय वाय हो चुकी है, और गपशप भी बहुत देर तक हो चुकी है, मीटिंग जैसे होती है ना, आधा एक घंटे तक की बातें करना, वो भी हो चुका है। और अब किचन में आ गई हूँ, उस समय 2:15 हो रहे हैं, और मैं सोच रही पहले काढ़े का काम ख़त्म करूँ, और आज मैं कुछ अलग चीज़ें हटके बना। बस काढ़ा तो कर लिया ख़त्म, अब करते हैं खाने की तैयारी। तो मैं कहा काढ़े का काम आज पहले कर लो, क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है, वो बनाता ही नहीं फिर। तो मैं अब ये जो है ना इसको मिक्सी में डाल रही हूँ, क्योंकि कोई चीज़ एक बार खा लो तो दोबारा खाने का मन भी नहीं करता है। तो मैं सोच रही हूँ इसको हम कुछ नया बनाते हैं इससे। ठीक है, कोशिश कर रही, देखते हैं सफल होता है कि नहीं, अभियान सफल होता है कि नहीं। ये डाल दिया इसमें मैंने, ठीक है। और जो है अब मैं सोची ये जो है मशरूम, ये भी डाल देते हैं काट के, क्योंकि इसका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कलर भी चेंज हो रहा है, जिससे पहले कि ख़राब खरूब हो जाए, और फिर फेंकने पड़े, आजकल तो इतनी महंगाई है, फेंकने का कुछ मन करता नहीं है। ठीक है, तो इसको भी इसी में डाल देते हैं, इसका असर आ जाएगा, क्योंकि मिक्सी में ग्राइंड होंगे तो पता भी नहीं लगेगा, और इसका असर भी आ जाएगा, क्योंकि देखो धीरे धीरे कलर चेंज हो, जब लाए थे ना बिल्कुल वाइट थे एकदम। तो चलो जी, इसको कर लिया हमने, इसके अंदर 3-4 से बस धो लिए मैंने अच्छे से, और अब मैं इसको काट रही हूँ। इसको थोड़ा सा पानी डाल के हमको ग्राइंड करना है, और इसके बाद जो है हो जाएगा ये ग्राइंड। अब इसमें क्या डालना है मुझे, इसमें ये जो है इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, पर मैं सोची मिक्सी कर लेते हैं, पता भी नहीं लगेगा डाला क्या है मैंने। मूली वाला सामान जो है, मूली का जो सामान था वो भी डाल दिया, ये जो चावल बड़े हैं ब्राउन राइस ये भी डाल देते हैं, सब कुछ एक साथ ही मिक्स हो जाएगा, देखते हैं इसका। फिर इससे मैं क्या करने वाली हूँ, आटा गूंदने वाली हूँ। ठीक है, इस बैटर को डाल के आटा गूंदा जाएगा, आटा कम क्वांटिटी में डलेगा ना, फिर
सारी चीज़ें भी तो डल जाएंगी ना उसमें। थोड़ा सा मेरे पास डूंगे में दही है, उस दही को भी मैं उसी में डालती जाऊँगी। ठीक है, भर गया पूरा बस, ठीक है, और कुछ नहीं करने वाली। इसमें हल्का सा पानी डाल के उसको मिक्सी में चला देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, फिर आटा गूंथते हैं। फिर आटे में इस बैटर से मैं आटा गूंथूंगी, और आटे में नमक मिर्च मसाला वो जो चीज़ें डालते हैं वो तो डालनी है, और कोशिश करूँगी हरा धनिया भी डालना, और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलो पहले इतना कर लेते हैं, ग्राइंड कर लीजिए। व्यूअर्स, ये देखें, तीन कटोरी आटा लिया है मैंने नीचे ड्रम में से, ये हमारा सारा मिक्स हो गया। देखो, इसको सारा इसी में डाल इससे डाल के गूंथूंगी। थोड़ा सा दही है मेरे पास डूंगे में लगा हुआ, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको यूज़ करूँगी, या तो नहीं करूँगी। ठीक है, और बाकी अब इसमें नमक मिर्च मसाले तो डालने पड़ेंगे, क्योंकि पराठे बनेंगे बढ़िया वाले और खाएंगे किसके साथ, दही के साथ। तो डाल रही हूँ नमक पहले, नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक डाल दिया नमक। इन मसालेदानी मेरे हाथ में है, थोड़ी सी हल्की सी मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि कोई फिर बोले ना। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देती हूँ, थोड़ा सा ही बचा था इसमें, और बाकी थोड़ा जीरा डाल लेते हैं, और जीरा डाल के थोड़ी सी अजवाइन डाल देते हैं। बस कटोरियाँ खाली कर दी मैंने, थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि ये भी डाल ली दूँ, हल्दी भी डालते हैं, येलो कलर अच्छा लगेगा, ये थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी है। तो ये सारी चीज़ें डालनी है, इसको पहले मिक्स कर लेते हैं, और फिर वो चीज़ें वो बैटर डाल के आटा गूंथ लेते हैं। जितना यूज़ हो गया हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बाद में काम आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितना यूज़ होता है। तो ठीक है, इसको मिक्स कर रही मैं, आटा गूंथ के दिखाते हैं। आटा मैंने इसके अंदर मैश कर लिया है, ये देखिए, ऐसे जैसे वो नहीं होता मोयन तैयार करते हैं, ऐसे अच्छे से हाथों से करना है। और काफ़ी सारा मेरा यूज़ हो गया है, और ये देखिए इतना सारा, थोड़ा सा रह गया है, मैं कल के लिए रख लेती हूँ संभाल के। और मैं इसको थोड़ा सा पानी से हमने गूंदना है, वो जो दही दिखाया था वो भी मैंने ऐड कर लिया बीच में, शुरू में ही कर लिया था, सबसे पहले मैंने उसी को ही ऐड किया था। अब ये देखिए काफ़ी हद तक ये नीचे नीचे वाइट आटा है थोड़ा सा, वो भी मैं मिक्स कर रही हूँ कि नीचे वाला भी ऊपर आ जाए, और सारा अच्छे से इसको एक बार फिर मोयन की तरह ऐसे ऐसे कर लूँगी, जैसे हम मोयन बनाते हैं ना घी डाल के, वैसे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें गांठे ना रहे, वो अच्छी तरह मैं भी करूँगी। और उसके बाद इसको हल्का सा पानी डाल के गूंदेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डालेगा, जितना देखो ज़रूरत है उतना डालेंगे, फालतू नहीं। अब पानी कौन सा ले रही मैं वो भी मैं बताती हूँ, कि जो मैंने अभी काढ़ा बनाया था तीन बार यूज़ हो चुका है उबाल के, अब ये चौथी बार है, तो उसको फेंकने का तो मन करता नहीं, इतने सारे मसाले फेंकने आसान नहीं होते। पर मैंने क्या किया, इसको चौथा यूज़ करने के लिए इसमें पानी डाल दिया था, अब थोड़ी देर इसका असर भी आ गया, मतलब इसका अरोमा आ गया, और इसको छान के यही वाले पानी से मैं आटा गूंथ लेती हूँ। ठीक है, इसका अरोमा भी आ जाएगा मसालों का भी, ठीक है, बाकी जो फिर है वो मैं फेंक दूंगी। आटा बन गया था, इसको मैंने 10-15 मिनट का रेस्ट भी करा दिया है, तब तक मैं और काम करने लग गई थी, जो एक्स्ट्रा सारे बर्तन इसकी वजह से जूठे हुए थे वो सब धो के रख दिए मैंने। तो ये आटा जो इसके देखिए मैंने एक बनाया है ये वाला परांठा, और एक ये बन रहा है। अब ये देखिए कलर कितना अच्छा आया, इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाली है। अब इसमें देखिए ये नॉर्मल आटा नहीं है, आप देख रहे हो ना इसमें कितनी हेल्दी चीज़ें डाली मैंने, स्प्राउट्स भी डल गए, गाजर प्याज और ये मूली का वो सारा बेसन, और ये सब चीज़ें मैंने जो मेरे पास बचे थे, ब्राउन राइस, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जो मेरे पास, और हाँ मशरूम भी, इतनी सारी चीज़ें जो मेरे पास फालतू थोड़ी 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 बची थी उनको मैंने ग्राइंड करके इसका एक हेल्दी आटा तैयार कर लिया। और मेरे पास बहुत थोड़ा सा ही आटा बचा, वो मैंने मतलब वो जो बैटर था ना जो मैंने मिक्सी में किया था, वो सिर्फ मेरे ख्याल से एक आधी पौनी कटोरी बची है, आधी से थोड़ा ज़्यादा, वो मैंने संभाल के फ्रिज में डाल के रख लिया है, मतलब फ्रिज में रख दिया मैंने। अब मैं आपको दिखाती हूँ दही, तेरा दही, ये दही के साथ खाएंगे इसको, पर मुझे लग रहा है कि हो सकता है, ये देखिए इसके पापा दही जमाते हैं कितना अच्छा, वो जमाते हैं बढ़िया दही, मैं फिर जमाती नहीं, जब वही जमा लेते थे मैं कहती आप ही जमा लो। तो ये दही वो तो खाते हैं सिंपल दही के साथ, ठीक है, पर मैं सोच रही हूँ हम जो खाएंगे हमें सिंपल दही से अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसका जो है ना थोड़ा सा वो डाल लेती हूँ नमक मिर्च मसाला फ्लैक्सीड डाल के अपना एक अलग से तैयार कर लेते हैं, उसके पापा को दे दूँगे सिंपल दही। अब ये परांठी तो बन ही गई है, पहले फिर पापा को ही दे जाती हूँ परांठी, ठीक है, गैस थोड़ी स्लो कर दो, हल्की हल्की काली हो रही है, तो चलो मैं बाकी परांठियाँ। हेलो व्यूअर्स, रोटी मैंने दो जनों को दे दी है, मतलब स्वाति को दे दी के पापा को भी, कनिका को बोला खा ले खाना, कह रही है नहाने जा रही हूँ, पानी गर्म तैयार है नहाने जा रही हूँ, मैं कहा चल ठीक है मैं तब तक मैं खा लेती हूँ। तो इसके पापा ने तो चार ले ली, चलो उन तो ठीक ठाक ले ली रोटी, वो चार या पाँच ही खाते हैं, और स्वाति जो थी वो नखरे कर दी थी रोटी को देख के दोपहर को, रोज़ इसको रोटी नहीं खानी होती, वर्मा से ली मैक्रोनी कुछ लटरम पटरम मतलब खाना होता है। तो हुआ क्या कि मैंने फिर
करा क्या कि मैंने ना उसको बूंदी वाला दही बना दिया, कि उसके पापा खाते हैं सिंपल वाला दही, उनके लिए सिंपल रखा। हम जिन्होंने अपना बूंदी डाल के उसमें नमक मिर्च मसाला वो फ्लैक्स सीड वगैरह डाल के अपना बना लिया दही, क्योंकि मैंने कहा अगर इसमें कम रह गया ना मतलब इस रोटी में परांठी में, मतलब मैंने एक साइड घी लगाया, देखिए एक ही साइड लगाया, दो साइड फिर ज़्यादा ही हो जाएगा। तो मैंने कहा इसमें ना मतलब बाई चांस नमक कम रह गया तो वो इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं खा के देखती हूँ कैसी, अभी स्वाति को देख कर आई हूँ, खा भी रही है इसने और रख के बैठी हुई है कंप्यूटर पे काम कर रही है, खाना रखा, मैं कहा फ़ायदा ही क्या ठंडा खाने का। तो मैं एक बुर्की खा के, पहले ऐसे खा के देखती हूँ, ठीक है। तो ये रोटी मैं खा रही हूँ, बहुत सॉफ्ट है और रोटी हेल्दी है। देखो इसमें इसके आटे में कितने सारी चीज़ें डली हुई, नॉर्मल आटा नहीं है, ठीक है ना। और ये रोटी भी सॉफ्ट ही बनी है और मसाले नहीं है ज़्यादा, हल्का सा डाला था पर बिल्कुल हल्का है। तो इसके साथ रायते वाला दही अच्छा है, आप कोई भी किसी भी तरह का रायता बना के साथ ले सकते हो, वो ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। ये अच्छा लगा, मैं तो खा लिया, फिर पापा ने खा रहे। अब जो है आप भी इस तरह का, वैसे आपकी फ्रिज में देखो खोल के कोई बची चीज़ें सही होती हैं, थोड़ी थोड़ी बच गई होती हैं, अगर दोबारा खाने का मन नहीं कर रहा होता उस कंडीशन में, अगर आपको लगा कि उसको दोबारा दोगे तो बच्चे नहीं खाएंगे, तो फिर उस कंडीशन में आप मिक्सी में घुमा के सबको, जो घूम सकती हैं मतलब जो हो सकती हैं वही चीज़ें अब आटे में घूम लिए, उससे क्या होगा हर चीज़ का न्यूट्रिएंट भी मिल गया और हेल्दी आटा भी बन गया। हाँ स्वाद लग रही है, उधर के साथ ज़्यादा टेस्टी लग रही है, इसको आप भी बना के खाइएगा। और अब देखो अच्छी लगी तो मैं होता है दो के तीन खा लूँ, अगर मुझे ज़्यादा टेस्टी लगती है तो मैं दो के तीन खा लेती हूँ। तो इस तरह से आप भी बना के खाइएगा, और जो चीज़ें बच्चे नहीं खाते ना छुपा के देने में फ़ायदा है। अब ये स्वाति जो है मूली नहीं खाती, तो इसमें मूली को भी डाली है, और मूली में मैंने बेसन भी डाला था, मैंने बताया था आपको, अगर उसमें हल्का सा नमक मिर्च तेज़ हो जाए तो बेसन डाल दो, या फिर थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाए तो बेसन डाल दो, एडजस्ट हो जाता है। और बेसन का वैसे भी अच्छा होता है खाना, सर्दियाँ आ रही हैं। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ लेकर, तब तक के लिए करते हैं टाटा बाय बाय, और इन्जॉय करते हैं अपने खाने को।